नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी संकल्प पत्र के संबंध में भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा घनश्याम पटेल ने कहा कि पूरे देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी, यानी कि गारंटी के पूरा होने की गारंटी। भाजपा जो कहती है उसे पूरा करती है, और जो नहीं कहती है उसे जनता के हित में अगर वह जरूरी है तो उसे भी पूरा करके दिखाती है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किए जाने वाला संकल्प पत्र विकसित भारत की ओर लंबी छलांग लगाने वाला है। आज देश की जनता को विश्वास है कि यदि मोदी की गारंटी है तो यह पूरा होकर रहेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए संकल्प पत्र को लेकर और क्या कुछ जानकारी दिए हैं प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा घनश्याम पटेल ने, सुनिए। कल भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी अनिश्चितता बनी रहती थी। मोदी सरकार ने आगे के 5 सालों की गारंटी किया है कि नहीं, हम इस देश में उन सब घरों तक भोजन का इंतजाम करेंगे। जो मुद्रा योजना हमारी 10 लाख थी, हमारे युवा बैंकों से सहयोग लेके और अपना उद्यम स्थापित करते थे, मोदी सरकार ने इस देश में रोजगार सृजन की दिशा में कदम बढ़ाया और उसकी सीमा बढ़ाई है, उसे 20 लाख किया है। स्वस्थ भारत की दिशा में आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए तक प्राप्त होता था, सरकार ने उसके गेट को भी खोला है। आगे आने वाले दिनों में उसकी सीमा बढ़ गई है, और अब आपको जानकर अपार खुशी होगी कि 70 साल से अधिक की आयु पूरी करने वाले किसी भी वर्ग के लोग, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग, यानी किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति है और 70 साल की आयु पूरी कर लिया है तो सरकार ने उसको आयुष्मान कार्ड के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को लेने के लिए अधिकृत किया है, उससे आच्छादित किया है। लेकिन आयुष्मान कार्ड जो है 3-4 जो है उनका नहीं बनता है। 60 था, आप 70 बता रहे हैं, मुझे तो जहाँ तक संज्ञान है 70 कर दिया क्या? देखिए, 60 तो उनके लिए था जो उसके दायरे में आ रहे थे, अब असीमित किया है। जैसे बहुत सारे लोगों का एक संकट था कि इनकम टैक्स पेयर और आयुष्मान कार्ड नहीं पा रहे, वृद्ध भी थे, उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, सरकार ने उसका दायरा बढ़ाया है और 70 साल की आयु पूरी करने पर सभी वर्गों को सम्मिलित कर लिया, गरीब, मध्यम, विपन्न, सक्षम, सबको शामिल कर। भारत वर्तमान समय में फूड प्रोसेसिंग का एक हब बनने जा रहा है। आपने ध्यान दिया होगा, माननीय मोदी जी ने किसान कल्याण के अनेकों कार्यक्रम शुरू किए और पूरे दुनिया को भोजन चाहिए। भारत एक उत्पादक देश है और खास करके कृषि उत्पादक देश है। समुद्री इलाकों में हमारे मत्स्य उत्पादक भी हैं। सरकार ने फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया। फूड प्रोसेसिंग जैसे बढ़ेगी रोजगार का सृजन होना शुरू होगा, और सरकार फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाएगी और एक सक्षम भारत बनाने की दिशा में हमारे युवा अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। ये 2047 तक का जो सरकार और पार्टी ने विजन रखा है, वो विजन युवाओं के माध्यम से पूरा करने का संकल्प भी लिया है। महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार ने अगले 10 वर्ष को समर्पित किया है। वुमेन लेड डेवलपमेंट में दुनिया को भारत दिशा दिखा रहा है, और आने वाला जो 10 साल है वो नारी सशक्तिकरण, नारी की गरिमा और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्र में अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित है। यानी जो अभी से 5 साल शुरू होगा वो नारी शक्ति संवर्धन की दिशा में उनकी नई भागीदारी सुनिश्चित करेगा, और आने वाला 10 साल एम्पावरमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भारत शब्द का हम उल्लेख करते हैं और भारत के विकास की चर्चा करते हैं
को विरासत को मजबूत करने के लिए त्रिवल्लूर में कल्चरल सेंटर्स का भी निर्माण करने का संकल्प लिया है, और वो इसलिए कि जो तमिल भाषा है वो हमारे देश की ही नहीं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है, उसका बढ़ावा देना, उसको मजबूत करना और वैश्विक स्तर पर क्या संस्कृत को भी बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत तो भारत के रग रग में है और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए तो सरकार कृत संकल्पित है। जब हम राष्ट्रीय विरासत की चर्चा कर रहे हैं, विरासत के गौरव का गान कर रहे हैं, तो उसमें संस्कृत मातृभाषा क्षेत्रीय भाषाएं सम्मिलित हो जाती हैं, लेकिन जो तमिल भाषा है वो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है और उसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए सरकार के संकल्प पर हमारी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में उसको व्यक्त किया। टूरिज्म का जो प्रोजेक्ट पोटेंशियल यानी टूरिज्म की क्षमता, उसके गेट को अनलॉक किया। आप सब जब निकलेंगे तो कोई भी एक डेस्टिनेशन पर जाएंगे, आपको लगेगा कि आप दुनिया के किसी बहुत अच्छे डेस्टिनेशन पर खड़े हैं। जैसे मैं एक अपना उदाहरण, मैं अभी बहुत जल्दी महाबलेश्वर से लौट रहा था और एक जगह है वाई में मुझे गणेश जी का दर्शन करना था। वहाँ बातचीत में लोगों ने कहा कि पास में एक एरिया है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, वाई के पास में हमें 10 किलोमीटर, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि हम किसी ऐसे लेक में खड़े हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से निर्मित है, एकदम शुद्ध साफ सुथरा जल। वहाँ स्थानीय स्तर पर पर्यटक आते हैं, पर ऐसे ऐसे केंद्र विकसित करने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जब एक फोटो शेयर की थी, ध्यान में आ रहा होगा आप, मालदीव हमारे देश के लोग बहुत तेजी के साथ जा रहे थे, लेकिन भारत के समुद्री इलाकों का जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को अवलोकन कराया तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया भारत के भीतर ही सिमटती नजर आ रही है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के साधन तैयार करने की सरकार की योजना है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प को